अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। मालूम हो कि छात्र नेता गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम में कुलपति से पिटाई करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे। इसी बीच छात्र परिषद के कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस और छात्र कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर SC/ST थाना ले गया। इस घटना में कई लोगों को आंशिक रूप से चोट लगी। हिरासत में लिए गए शिव सागर कुमार, गौतम साहू, कुणाल पांडे, रोहित हैप्पी, आनंद दीपा समेत एक दर्जन से अधिक छात्र छात्रा शामिल हैं। मालूम हो कि बीते दिनों हॉस्टल की मांग को लेकर मदन अहिल्या कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान कॉलेज के स्टाफ ने थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया था। थप्पड़ जड़ने वाले एवं कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित कार्यक्रम में छात्र परिषद कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। कार्यक्रम दौरान कई सामान टूट गए। फिलहाल पुलिस आक्रोशित छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन से हैं और हम लोग मदन अहिल्या महिला कॉलेज इकाई में छात्रावास को लेकर के पेयजल की सुविधाएं साफ सुथरी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे अनशन पे। लगातार 3 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे और उसमें एक कॉलेज प्रशासन के एक टीचर आकर के महिला हम लोग स्टूडेंट के साथ ऊपर अत्याचार किए। क्या किए? ऐसे हाथ उठाने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दिए है। सबको बोला अगर आप लोग अनशन पे बैठोगे तो हम लोग आप लोग के हमला करेंगे, ठीक है, ऐसे करके बोला गया था। तो इसीलिए हम लोग आए थे, प्रिंसिपल से परमिशन लेकर के हम लोग अनशन पे बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी कोई बात हुआ नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, इसलिए आज यहाँ बीसी के पास आए। क्या हुआ? बीसी के पास आकर के हम लोग मांग कर रहे थे कि सर हम लोग को अन्याय दीजिए, सर हम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ है, छात्राओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, हम लोग के ऊपर 48 घंटे से ज्यादा अत्याचार हो गया, आप गए नहीं है, हम लोग को जान से मारने की धमकी दिया गया है। हम लोग यहाँ आए थे सर से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ तो प्रशासन को बुला करके बीसी हम लोग के ऊपर अत्याचार करवा, लाठी चार्ज करवा दिया। कितने छात्र घायल हो गए? लगभग 5-6 घायल हो गए, मुझे भी लगा हुआ है यहाँ चोट।
जो सूचना पुलिस को मिली थी कि भंसी साहब यहाँ पे गुरु शिष्य मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें अनऑथराइज वे में कुछ स्टूडेंट असामाजिक तत्व जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे आए हैं और पूर्व के भांति उपद्रव मचाना शुरू किए, तोड़फोड़ किए हैं और पुलिस के साथ मारपीट हुई है, उनके बॉडीगार्ड के साथ भी मारपीट हुई है और काफ़ी हंगामा किया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, हमारे पहले SHO को मैंने भेजा था और मैंने और पदाधिकारी को भेजा था, फोर्स को भेजा, उनको समझाने की पूरी कोशिश की गई, इसके बावजूद भी वो लोग माने नहीं। मैं भी इनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जो कार्यक्रम चलो उसको चलने दीजिए, जो मांग है उसका डायस अलग है, ये सही मंच नहीं है। फिर भी लोग हंगामा किए, बोला बात करने को नहीं है और ये बिल्कुल उग्र होकर के मार्केट पर उतारू हो गए, उनको हिरासत में लिया गया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी अभी FIR होगी, तुरंत उनके बल को उसको सिर्फ क्या ये विश्वविद्यालय चलाएंगे जब तक घटनाएं होती है ABP के छात्र ही करते हैं और कहाँ कोई छात्र ऐसा करता है। मेरे कहने का मतलब आप डिसिप्लिन वाली पार्टी हो, छात्र संगठन हो, हम लोग भी उसके पार्ट हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कोई कार्यक्रम चला बिना कोई सूचना के आप इन कर जाइएगा और डिस्टर्ब कर दीजिएगा पूरे प्रोग्राम का, कोई महिमा नहीं। ये तार तार हुई है गुरु शिष्य परंपरा का, ये जो इतना बड़ा आयोजन किया गया। मैं छात्र, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ शिक्षक के अगेंस्ट में मैंने कड़ा कदम उठाया है, उन लोगों को जहाँ से तहाँ ट्रांसफर किया है और बहुत सारे कठोर कदम लिया है। छात्राएं हमारी बेटियां हैं, मैं उसके लिए ऑलरेडी, ये लोग कहते हैं अभी सस्पेंड कीजिए, ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? कानून को मैं अपने हाथ में ले सकता हूँ? सस्पेंशन का तरीका है कि पहले तो मैं खुद जा रहा हूँ, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी और सस्पेंशन अगर करने की बात होगी तो विद इन मिनट में कर दूंगा। अगर रिपोर्ट में यह बात आता है कि वास्तव में वह शिक्षक दोषी है तो उस पर होगी। और जो भी इनकी मांगे थी 50% मांग मैंने प्रिंसिपल को कहा, जैसे जल की समस्या से उन्होंने कर दिया, अब इनका कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है सस्पेंड कर दो। जो नहीं हो सकता है बिना प्रक्रिया अपने, मैं स्पष्ट में कहना चाहता हूँ। और अभी भी यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ भी जब हम बात करना चाहते थे वो लोग कभी बात नहीं, बोलते थे कि यहीं पर स्पॉट सस्पेंड कीजिए, तो यह गलत तरीका है। हाथ पकड़ के खींचा भी गया, मेरा भी हाथ पकड़ के खींचा, हमारे शिक्षकों को घोटा, डीन को खींचा है, बॉडीगार्ड को तो देखा आपने, ये एक तरीका नहीं है, इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है। और अंत में तब पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने बुलाया है और तब एक्शन लिया गया है, तो आप समझ लें। FIR कर रहे हैं सर, अब FIR करना तो वो सारे इसके लिए प्रॉक्टर हैं, सारे लोग हैं, जो भी करना होगा कानूनी प्रक्रिया तो अपनानी ही होगी, कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, वो जरूर होगा। इस तरह से विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है और न हम इसको ऐसा छोड़ सकते हैं, चाहे जो भी हो। विश्वविद्यालय प्रशासन में डिस्टर्बेंस करेगा तो उसके विरुद्ध में कठोर से कठोर कदम लूंगा। इसका कारण यह है कि कोई भी आपकी मांग हो, मैं सभी की मांग सुनने के, मैं तो छात्रवार लगाता हूँ हर शनिवार को विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, लेकिन ये सारे विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, ये लोग हमारे पीछे, कुलपति के पीछे, इस विश्वविद्यालय के पीछे लगे हुए हैं, अब मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है। अनावश्यक कोई भी संगठन, यहाँ बहुत सारे छात्र संगठन है, लेकिन आपने देखा है अभी तक किस। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो
सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सावन माह की पहली सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कृष्णा बम सुल्तानगंज की पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पहुंची, जहां गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल भरकर डाक कावरिया के रूप में पैदल बाबा धाम के लिए रवाना हुई। माता बम के नाम से मशहूर कृष्णा बम ने बताया कि वो 40 वर्षों तक लगातार सावन में प्रत्येक सोमवार को सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की दूरी 16-18 घंटे में तय कर बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करते आ रही है। स्वास्थ्य कारणों से पिछले वर्ष वो बाबा को जलाभिषेक नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार फिर से वो डाक बम के रूप में बाबा को जलाभिषेक करने जा रही है। शिव की प्रेरणा से ही 72 वर्ष की उम्र में वो बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने जा रही है। साथ ही कृष्णा बम ने बताया कि वो विश्व के सभी तीर्थस्थलों का पैदल और साइकिल से दर्शन कर चुकी है। साथ ही कृष्णा बम ने बताया कि गुरु पूर्णिमा को जो व्यवस्था जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष देखने को मिलता है, वो व्यवस्था इस बार नजर दिख रही है। उत्साह से लबरेज बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कृष्णा बम जा रही है। भागलपुर के लोदीपुर में एक महिला के अपने देवर के साथ गलत संबंध बनाते हुए पुत्र ने देख लिया, जिसका विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई। मालूम हो कि लोदीपुर में महिला कल्पना देवी के द्वारा अपने देवर के साथ गलत संबंध बनाने का पुत्र ने विरोध किया और घटना की जानकारी पिता को दी। इसके बाद देवर और महिला ने मिलकर पुत्र और पति की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित के द्वारा लोदीपुर पुलिस को दिए आवेदन में बताया गया कि भाई शंभु मंडल और पत्नी कल्पना देवी के बीच अवैध संबंध वर्षों से चल रहा है। पुत्र ने गलत संबंध बनाते हुए देख लिया, इसके बाद विरोध किया तो बेटे को लाठी डंडे से पीटकर जमकर पिटाई कर दी। जब हम वहां पहुंचे तो मेरे साथ भी पत्नी और भाई ने मारपीट किया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। क्या मामला क्या है? घर में गलत संबंध बना रहा था, हम फोन किए पापा को। कौन गलत संबंध बना रहा था? मम्मी और चाचा। अच्छा, हम फोन किए, आए पापा रड से और लाठी से मारे, खूब बुरे तरीके से मारे। कौन मार रहा था? चाचा, मम्मी और मैं, छोटा भाई। क्या बोल रहा था? मतलब कि जान से मार देंगे आज। घर में रहने नहीं देता? नहीं। इस विषय में थाना में आवेदन दिए थे? हम दिए, कुछ नहीं मस हो रहा है। और थाना वाला आया था क्या? नहीं, थाना वाला आया भी नहीं है। एक बार भी नहीं आया? नहीं। थाना तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? आपको भी मारा पीटा था? घर में बंद करके मारा था। क्या नाम हुआ आपका? क्या मामला क्या था? मामला है, 700 से पुराना मामला चल रहा है। 700 से कोर्ट में केस चल रहा है। क्या चीज़ का केस चल रहा? वो मेरा पत्नी केस किया था, थोड़ी देख। अच्छा, और मेरा भाई करवाया था मिल के, उसी के साथ में गलत संबंध है 7 साल से। किसका गलत संबंध है? मेरा भाई का, मेरा पत्नी का साथ में। अच्छा, तो इसका आवेदन थाने में दिए आप? थाने में आवेदन दिए, पहले तो हमको घर में नहीं रहने दिया। घर में तो घर गए, मारपीट तो करके हमको भगा दिया। कौन भगा दिया? मेरा भाई और मेरा छोटा बेटा और मेरा पत्नी, तीनों मिल के। उसके बाद थाना में आवेदन दिया, थाना अभी तक कुछ नहीं किया। थाना द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया। आगे क्या चाह? आगे यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी गिरफ्तार किया जाएगा। और कुछ धमकी उमकी भी दिया जा रहा है? और धमकी दिया रहा है तो जा रहा है। 3 बार तो हम रूम को हम चेंज कर चुके हैं, 7 महीना के अंदर में 3 बार रूम हम चेंज कर चुके हैं। ठीक है, बार बार धमकी आ रहा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। कौन दे रहा है ये धमकी? ये शंभु मंडल बोल रहा है। आपका घर कहाँ? मेरा घर है सरमसपुर।
सावन की पहली सोमवारी के लिए श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न गंगा घाटों से जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। मालूम हो कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही गंगा घाटों की रौनक बढ़ गई। शहर के बरारी पुल घाट, सीढ़ी घाट, एसएम कॉलेज घाट से हजारों श्रद्धालुओं ने जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए। गंगा घाट से लेकर सड़कों तक बोलबम की गूंज से माहौल भक्तिमय रहा। विभिन्न घाटों से डाक बम व साधारण कांवरिया, बाबा बासुकीनाथ धाम, गोणुधाम, जठोरनाथ आदि जगहों पर जाकर सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। बरारी पुल घाट समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आज दुमका, हजडिया, महादेवगंज, नौनीहाट, लश्करी, बहराहाट, बांसी, फुनसिया, बजानी, पाका आदि जगहों से श्रद्धालु पहुंचे। कई लोग डाक बम के रूप में जाएंगे। कई श्रद्धालु जल उठाकर मोटरसाइकिल के माध्यम से बासुकीनाथ धाम व अन्य मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। एसएम कॉलेज घाट से अधिकांश श्रद्धालु डाक बम के रूप में जाएंगे। आशंका जताई जा रही है कि 30,000 से अधिक श्रद्धालु आज जल उठाएंगे। इधर शिव शक्ति मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं मंदिर की सजावटी का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर ड्राइव की तैनाती गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किया गया है। साथ ही आपदा मित्र की टीम और गोताखोर की टीम को लगाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आसपास के इलाकों पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। गुरु पूर्णिमा के साथ साथ साधारण कांवरिया भी जल भरने के लिए गंगा घाट पहुंचे हैं, जहां पर भोले बाबा के नारों से पूरा शहर गुंजायमान रहा। और सावन का पहला सोमवारी का जल भर बाबा धाम के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु का भीड़ है। बाबा धाम के लिए भी जल भरेंगे और गुरु पूर्णिमा भी है, उसके भी श्रद्धालु के लिए भीड़। आप कहाँ से आए हुए हैं? भागलपुर, जगदीशपुर भागलपुर। कैसा लगा गंगा घाट व्यवस्था, कैसा लगा यहाँ पे आई? आज का तो नवीकरण बदल गया है, अच्छा है।